नमस्ते दोस्तों। तो जो हमने पिछली वीडियो में एम्पलीफायर देखा, तो हम इस वीडियो में उसका फिटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रैक्टर, आप देख सकते हैं। घर पे ही मैंने सब किया है। तो चलिए इसका पहले वायरिंग देख लेते हैं। तो ये रहा अपना एम्पलीफायर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। यहाँ पे इसका प्लस माइनस का ये जो दोनों है वो सीधा बैटरी से कनेक्ट करना है। तो अपना बैटरी का वायर देख लेते हैं। ये जो वायर है ये मैंने बैटरी से लिया है सीधा। ये टेक्समो का वायर है, बहुत ही हेवी वायर है, इसमें बहुत हेवी वायर लगता है। ये नॉर्मल वायर जो लगाए तो ये पिघल जाएगा, एक ही दिन में पूरा काला काला पड़ जाता है ये वायर। और जो स्टीरियो आप देख रहे हैं वो मेरा पुराना स्टीरियो है, जिसको मैंने ये पैनल वगैरह लगा के सब अपडेट किया है। बहुत अच्छा बजता है ये। तो चलिए हम पहले बैटरी से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने इसके टर्मिनल्स बैटरी में अटैच कर दिए कुछ इस तरह से, ताकि ये अच्छे से करंट डिलीवर कर पाए। ये जो दो मोटे वायर है जो इसमें मेन में लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए फिर रेड, और यहाँ पे निगेटिव है। देखिए यहाँ पे वॉशर लगा के मैंने कर लिया। तो अब देखते हैं इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करके कितना वोल्टेज दे रहा है, क्या हो रहा है। तो वायर्स हमने अच्छे से छील लिए, अब देखते हैं कितना करंट कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये मैंने पॉजिटिव में पकड़ लिया, ये देखो 12.18 हाईएस्ट वोल्टेज आ रहा है रेड में। और अभी येलो जो है वो दोनों पॉजिटिव, रेड और येलो पॉजिटिव में कनेक्ट कर रखे हैं। तो येलो में देखते हैं, येलो में भी 12 के अबव गया था, हाँ 12.30 फुल वोल्टेज आ रहा है। अच्छा, और नेगेटिव में तो भी हमारा हो गया बैटरी का कनेक्शन कंप्लीट। तो इसको बॉडी में भी करंट है, ये आप देख सकते हैं स्पार्किंग हो रहा है। तो अभी हम ये दोनों एक करके एम्पलीफायर में देंगे, ठीक है। तो हम ये दोनों एम्पलीफायर में जाएंगे पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। तो चलिए इसका भी कनेक्शन पूरा कर लेते हैं। और ये वायर देखिए मैंने कहाँ से लिया है, ये बैटरी में से रेडिएटर करके नीचे से यहाँ से बाहर से लिया है, नीचे से पेडल के नीचे से गया है, और ये मड गार्ड जो है उसके अंदर से लिया है। सॉरी थोड़ा अटक गया, यहाँ से सीधा आएगा और पीछे से सीधा एम्पलीफायर में। तो ठीक है, ये सब फिक्स कर लेते हैं, ये वीडियो पॉज कर लेता हूँ मैं, ये सब इजी है। तो ये दिख गई दोस्तों, ये हमने सब टर्मिनल्स निकाल लिए। ये जो है चाबी से आता है, और ये दोनों ये वायर पूरा सीधा बैटरी से आता है। तो ये देखिए ये चाबी मैंने चालू कर दिया, देखिए चाबी चालू है। यहाँ पे भी करंट आ चुका है, वोल्टेज का काटा चढ़ गया, बैटरी से करंट आता है। और चाबी बंद किया तो करंट भी नहीं आता, देख लो माइनस में। और ये दोनों सीधा बैटरी से है, यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ट्रैक्टर में करंट जाता है, देखो वोल्टेज का काटा चढ़ गया। अभी मैंने छोड़ दिया तो नीचे जाएगा, देखो। तो अभी उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन के बाद वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पूरा कनेक्शन सेट कर लिया है, ये दोनों पॉजिटिव के नेगेटिव का है। ये रिमोट स्विच है, मतलब ये की स्विच में इससे करंट आएगा, की स्विच चालू करेंगे तभी ये इसको पावर मिलेगा। ये स्पीकर के चार वायर है, ये वायर एक्स्ट्रा वाइट वाला है जो स्टीरियो में गया है टेप में, और ये की स्विच आया है यहाँ से, देखिए
यहाँ से होके ये जो वाइट वायर दिख रहा है ये फ्यूज बॉक्स में गया, ठीक है। और ये जो वायर है सीधा बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव में कनेक्ट हुआ है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है, इसका पूरा फिटिंग अब तक नहीं हुआ है। देखिए ये जो डायरेक्ट स्पीकर के स्टीरियो में से गए, इसको कोई आरसीबी कन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आरसीबी ही बोलते हैं मतलब वो, और यहाँ पे यूएसबी। तो जब ऐसे ही हम किसी स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसमें करंट आ गया, यूएसबी का करंट आ गया।